भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली सरकार द्वारा किए गए छठ पूजा के फैसले पर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वाटर कैनन की बौछार वह घायल हुए, जहाँ उन्हें गंभीर चोट आई और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल वेरीगेटेड के ऊपर चढ़कर सांसद मनोज तिवारी प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान वाटर कैनन की जोरदार बौछार आई, जिसके सदके से मनोज तिवारी वेरीगेटिंग से नीचे गिर पड़े और व्याकुल हो तो लगी है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, हम डेंजर से बाहर है। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम ले और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आप सबकी दुआ से छठ मैया की कृपा से। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? शेखर शर्मा। ये कैसे आपको चोट लगी? जब वहाँ से पानी की बौछार मारी गई ना, हाँ। तो वहाँ से जब लोग गिरे, मैं तो थोड़ा सा पीछे था, तो जब गिरने के बाद जब पत्थर मची तो मेरा पैर फट गया, तो मेरे पैर पे घुटने पे जोर आ गया। केजरीवाल जी के प्रदर्शन में? जी, उन्हीं के प्रदर्शन में लगी है ना, केजरीवाल के प्रदर्शन। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ, मैं मनोज तिवारी। मुझे चोट तो लगी है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, हम डेंजर से बाहर हैं। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आप सबकी दुआ से छठ मैया की कृपा से।